Yeah. मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार, और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो गाइस, आज के क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो आज सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले किसको याद किया जाएगा, आपके टारगेट को याद किया जाएगा, और आपका टारगेट है 30 out of 30 मार्क्स इन मैथ। डेफिनेटली ये अचीवेबल है और उसी कगार पर हम चल रहे हैं। आने वाला जो होली के बाद वाला मंडे होगा, उससे आपका क्या स्टार्ट होने वाला है, यहां पर मंडे को, आने वाले मंडे को, होली के बाद वाले को टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, चलिए इससे पहले आज हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आज क्या है, आज तारीख है अपनी 18 तारीख। जी हाँ, 18 मार्च आज है हमारे पास। 18 मार्च को आज हम क्या करने वाले हैं, आज जैसे 11 बजे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इस क्लास में हम जानेंगे लड़ाई कंसेप्ट को और डेप्थली। ठीक है ना, कि किन किन क्वेश्चन में इसको लगा सकते हैं, और ये सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, ये हजारों क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करने का तरीका है, ये एक मेथड है। ठीक है भाइयों, चलो नेक्स्ट। 12:30 बजे हम क्या करेंगे, आज 12:30 बजे हम अलजेब्रा के रिवर्स क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि उल्टे क्वेश्चन आते हैं ना, वो रिवर्स क्वेश्चन हम 12:30 बजे कवर करने वाले हैं एडवांस मैथ में। तो आप बेफिक्र रहिएगा, अगर आपको लगता है कि 2-3 क्लास बीच में ऐसा दिक्कत आ गई थी, तो उम्मीद यही करूंगा कि आपको सब कुछ ठीक रहे, हमें बस अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको भरोसा ये दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए स्टार्ट करता हूं आज का सेशन बिना किसी दिक्कत के। और हमें भी दुख है और आपको भी दुख है कि कल रात को एक अकस्मात घटना घटित हो गई, जैसे कि हमारे सीएम, गोवा के सीएम मनोहर पारिकर जी का निधन हो गया, तो ये बड़ी दुखद घटना है, इसके लिए हम शोक प्रकट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा लड़ाई कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन, आप पहले भी सीख चुके हैं, जरा एक बार ट्राई कर लीजिए जिससे कि और अच्छे से आ जाए। तो आज हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे कि कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। मैं देता हूं आपको 30 सेकंड का वक्त, और जामा पहनाने के लिए तैयार आप लोग, कम ऑन गाइस, कोशिश करो, सीखो। ठीक है, चलिए और यहां पर है ना, ये आएगा यदि पी और क्यू हिंदी में है ना, पी और आयन में, तो आपको पी की आय निकालनी है, तो पी की आय ज्ञात करो। ठीक है, चलिए चलिए, टाइम्स अप हो गया। मेथड वाज ऑसम, हमेशा की तरह ऑसम रहेगा मेथड, बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक लाइन सिंगल लाइन। जरा क्वेश्चन को देखो, आसान लगेगा, मैं बहुत सारे मेथड बताऊंगा, लेकिन लड़ाई कंसेप्ट समझना है, उद्देश्य ये है। पी और क्यू की आय का अनुपात दे रखा है 3:4, ये तो दे ही रखा है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये इनकम का रेशो है, ये इनकम का रेशो है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है आय का अनुपात, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। खर्च का अनुपात दे रखा है, अच्छा ये बताओ ये खर्चे का अनुपात है। आय में से मैं अगर बचत को घटा दूं, जो कि कितनी है, 6000, तो मेरा यही आ जाएगा। बहुत ही आसान काम हो गया, लड़ाई कंसेप्ट को दोबारा से समझा रहा हूं आपके लिए, और उसको दिमाग में बैठाओ। एक और तरीका है, लेकिन वो सब जगह काम नहीं आता, ध्यान से देखो, ये सब जगह काम आता है। 3×3=9, 4×2=8, चिन्ह सभी समान हैं, तो क्या होगा, बड़े में से छोटा घट जाएगा, 3×3=9, 4×2=8, 9 में से 8 गए, तो 1:1, 3×6=18, या फिर 6×2=12, तो 18 में से 12 गए, तो क्यों, चिन्ह समान है, तो बड़े में से छोटा घटेगा,
चिन्ह समान है, साइन इक्वल है। देखो माइनस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं करनी। 6 × 3 = 18 में से 12 जाएंगे तो 6000 आ जाएगा 1:1। तो आपसे क्या पूछा है भैया, पी की पूछी है, तो 1:6 है और पी की इनकम पूछी है। इनकम का रेशो ये है 3:3, यानी कि पी की इनकम कितनी आ जाएगी 6 × 3 = 18000, क्यू की इनकम कितनी आ जाएगी 6 × 4 = 24000। तो नॉट ए बिग डील, नॉट ए प्रॉब्लम, आसानी से चीजों को समझो और आंसर दो। जो पूछा गया है इनकम पूछा गया है, इनकम पूछा गया है तो दैट इज कॉल्ड इनकम। अगर मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करता हूं, मैंने पहले भी बताया है, क्या हम इससे डील कर पाएंगे, क्या हम इससे डील कर पाएंगे, अगर मैं पूछूं कि एक्सपेंडिचर क्या होगा तो आप डायरेक्टली नहीं निकालोगे। पहली बात, डायरेक्टली नहीं निकालोगे, आप बेस रेशो से लोगे, सिर्फ और सिर्फ आप बेस रेशो ही निकाल सकते हो वैल्यू में। डाउट समझ में आ रहा है, मैं समझा रहा हूं। देखो जो दिमाग में उठ रहा है ना, वो हर चीज क्लियर करूंगा आपके लिए। चलो जरा देखो, बहुत प्यारी चीज है और लोग कह रहे होंगे सर डायरेक्ट कर लो ना, डायरेक्ट कर लो ना। बताता हूं सब चीजें। देखो ये बेस निकल गया, अब मैं आपसे पूछूं, चलो मुझे बताओ पी का एक्सपेंडिचर कितना है। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, पी की इनकम कितनी आ रही है 18000, 6000 घटा दो एक्सपेंडिचर आ जाएगा 12000। तो ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, 6000 कैसे आया, 12000 एक्सपेंडिचर आ गया। अगर मैं पूछूं आपसे Q का एक्सपेंडिचर कितना है, तो यू कैन कैलकुलेट इजिली, नॉट ए बिग डील। देखो जरा, हम जानते हैं 1:6000 है, तो 6 × 24 = 24000 तो इनकम हो गई, और इनकम में से मैं 6000 घटा दूंगा तो मेरे पास 18000 उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जब आगे करते जाएंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लड़ाई कंसेप्ट का लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को पढ़ो और आपको यह पता लगाना है कि क्या यह क्वेश्चन सही है, क्या हम इस क्वेश्चन में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन करने से ज्यादा यह समझ ज्यादा जरूरी है, करने से ज्यादा समझ जरूरी है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, फिर से बताऊंगा क्योंकि लॉट ऑफ क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं आपको। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, सीखने आए हो ना, सीख के जाओगे। 5 मिनट की वीडियो थोड़ी ना है, 1 घंटे की है, समझ रहे हो। देखो एक पी क्यू आर का रेशो दे रखा है, विभाजित किया जाता है, पी और क्यू का हिस्सा आर के हिस्से के बराबर है, पी और क्यू के हिस्सों का अनुपात निकालिए, मतलब पी के हिस्से का अनुपात क्या है या फिर क्या हिस्सा है। तो वी कैन कैलकुलेट शेयर, डिफरेंस पूछा है शेयर में, है ना, अंतर पूछा है। तो यार मेरे पास कोई रुपया ही नहीं दे रखा तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, है ना तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास रुपया ही नहीं दे रखा है। अब मैं बांटूं किसको, मैं निकालूं किसका, CND आ जाता है ऐसे प्रश्नों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करो। ये सारे डाउट हैं जो स्टूडेंट ने कमेंट में भी लिखे थे, तो मेरा बनता है भाई उद्देश्य ये बनता है, मैं वो भी डाउट लेके आया हूं आपके लिए जो कमेंट में स्टूडेंट ने लिखे। सर लड़ाई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग रहा, लगा के दिखाओ, मैं सब बताऊंगा, लेकिन भरोसा रखना जरूरी है दोस्त। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिल्ला के क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि A अनुपात B, मतलब A बाई B बराबर क्या है B बाई C, ठीक है, A बाई B बराबर क्या है B बाई C, ठीक है भाइयों। तो मैं ये कह दूंगा B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है A की पावर 4 अपॉन B की पावर 4। तो मैं क्या ये कह सकता हूं आप लोगों से कि बी स्क्वायर बराबर ए सी है, अगर मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देता हूं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा बी की पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर के। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो यहां पर पुट कर दो बी की पावर 4 की वैल्यू, क्या हो जाएगी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इससे क्या होगा हमारे ए स्क्वायर से ये पावर 4 × 2 रह जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर। तो नॉट ए बिग डील, नॉट ए बिग प्रॉब्लम, इजिली अंडरस्टैंडिंग लेवल आप बढ़ा सकते हो, समझ सकते हो। आगे चलता हूं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, जरा ट्रायल मारा जाए लड़ाई कंसेप्ट का, एक एक चीज सीखोगे, लेकिन सब्र और पेशेंस रखोगे ना मजा आ जाएगा दोस्तों। चलो मैं देता हूं मात्र 30 सेकेंड, आप आंसर निकाल के दिखाओ, एक बार करके देखो, ये क्वेश्चन चाहे पहले भी कर लिया हो लेकिन सीखो, करके एक बार दोबारा दिखाओ।
चलो टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो चुका है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें लड़ाई कंसेप्ट को दर्शाने के लिए हैं। जब मैं एज के क्वेश्चन कराऊंगा ना तो हलवे की तरह होंगे लड़ाई कंसेप्ट के थ्रू। पहले इनको समझ लो आप क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। मैंने क्या कहा है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। अरे वाह, ये तो वर्तमान आयु का अनुपात है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है, ये मेरा बेस हो गया। ठीक है, क्योंकि वर्तमान आयु है तो मैंने जो दे रखा है मैं उसको बेस मान लेता हूं हमेशा। मैंने क्या कहा आपसे कि जो मुझे दे रखा है मैंने उसको बेस मान लिया। 5 साल पहले उनके, अच्छा कोई बात नहीं, 5 साल पहले मतलब इससे 5 साल पहले, इससे 5 साल पहले अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3। यहां तक बात समझ में आ गई। हम क्या करते हैं, हम दो अनुपातों के बीच में संबंध को इस तरीके से लिख देते हैं। ये क्या है, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु। ये क्या है, 5 साल पहले की आयु का अनुपात, 5:5 घटा दिया। मैंने कुछ गलती तो नहीं की, चलो आगे देखते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, हमसे क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे, हमसे पूछा गया 5 साल बाद उनकी आयु, भाई पहले वर्तमान तो पता हो तभी तो मैं 5 साल बाद जाऊंगा। मैंने क्या कहा था, अगर ये वर्तमान है तो ये फ्यूचर है और ऊपर पास्ट है। अगर आपको फ्यूचर में जाना है ना तो वर्तमान से होके जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली फ्यूचर में नहीं पहुंच सकते, टाइम मशीन। चलो सेम कंसेप्ट है, यहां पर मैंने क्या किया, लड़ाई कंसेप्ट लगाने की कोशिश की क्योंकि मुझे वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखो जरा, 3 × 3, 2 × 2, से चिन्ह समान है, बड़े में से छोटा घट जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1:1 बराबर, चिन्ह समान है कोई दिक्कत नहीं है, 5 × 15, 5 × 5 यानी कि 1:1 बराबर आ गया 10, 15 में से 5 गए तो 5 × 15 डायरेक्टली 5 घटा दो, 1:1 बराबर 10। और यहां पर आप देख सकते हो मुझे क्या करना है, बेस वाला निकालना है, मुझे क्या करना है, बेस वाला निकालना है। क्या है, प्रेजेंट एज, यानी कि मेरे दो भाई, पहला भाई का रेशो आयु कितनी आ जाएगी, वर्तमान 1:10 है तो यहां तो 1:1, ये 10 साल का है। दूसरा भाई कितना हो जाएगा, 20 साल का, क्योंकि वो 2:1 है। 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 इसमें जोड़ दो, खत्म काम, 15 और 25 अनुपात निकाल लो, 5 × 15, 5 × 25, 3:5 विल बी योर आंसर, कोई दिक्कत। अब थोड़ा बन रहा है बेस, थोड़ा बन रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट हो रहा है, आसान क्वेश्चन से होगा। अभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं। चलते हैं, चलिए सफर तो स्टार्ट हुआ है। ये लीजिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन, थोड़ी सतर्कता बरतना, एक एक चीज मैंने अच्छे से बताई है, दिमाग से करना, गलती करोगे तो सीखोगे जरूर, ये याद रखना। चलिए 30 सेकंड का समय देता हूं, कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। हो गया, टाइम्स अप हो गया। स्टूडेंटों को मैं एक साफ बात साफ कर देना चाहता हूं, अगर कोई अध्यापक आपको 2×4 भी सिखा रहा है ना, तो चाहे ये भले से पेपर में नहीं आए, लेकिन जब आप 22×2022 या फिर 2,22,000 करोगे ना, तब ये 2×4 जरूर काम आएगा। बात समझ गए होगे जिन्होंने ये क्वेश्चन कहा था अभी, सर क्या पेपर में आएगा ऐसा क्वेश्चन? तो मैं बात यही कहूंगा कि जब हम कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं ना, तो इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई, सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज करूंगा तभी तो सीखोगे यार। ठीक है, चलिए, वरना फिर अंतर क्या रह जाएगा औरों में, हम में। ठीक है, चलिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, कोई जल्दबाजी मुझे नहीं है और आपके आंसर आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है कि आप मुद्दे पर पहुंच गए। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 2:3, भाई ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, चलो पहली में से 2 घटा दो, ले घटा दिया, और दूसरी में 2 जोड़ दो, ले भाई जोड़ दिया, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब क्या करना है, लड़ाई कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि लड़ाई कंसेप्ट है क्या, लड़ाई कंसेप्ट दो अनुपातों के बीच में संबंध है, तो 2×4, 3×3, चिन्ह समान है ना, तो 4 में से 2×4 में से 3 जाएंगे तो 1:1 बराबर। अब ध्यान से देखो, चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग है तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्या करना है बताओ, 2×4 और 2×1 जोड़ दो, 2×4 2×1 जोड़ दो, 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2×1 = 2 जोड़ दो डायरेक्टली, क्यों, साइन अलग अलग है बस, तो कितना आ जाएगा, 4×2 = 6, और ये है भी तो वही बात, 2×4 - 4 है,
यहाँ पे अब दो घटाओगे तो माइनस का 6 मतलब 6 ही आने वाला है, कोई इशू नहीं है। तो 1:6 आ गया। आपसे पूछा है संख्याओं का योग, तो क्या है बेस, बेस संख्याएं यही तो है, बेस संख्याएं यही तो है। अनुपातों का योग कितना है 5, हमें 1:6 तो 5:30 कितना हो जाएगा 30, यही तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड वेरी गुड। अब और कुछ नया सीखेंगे, चलो सफर है ये तो चलता रहना है, मजा तब आएगा जब आप खुद इंपैक्ट डालोगे इस पे। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना ना, लड़ाई कंसेप्ट लगाओ और टेंशन भगाओ। ये लो 30 सेकंड का समय देता हूं, आप आंसर निकाल के दिखाओ। टाइम्स अप हो गया। अब देखो यार, चलो आज तुम्हें रिवील कर ही देता हूं कि यार ये मैं ऐसा क्यों करता हूं, कोई चोरी थोड़ी ना है भाई, मेथड है, कोई ट्रिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे सर आप ट्रिक बता देते हो, मैं ट्रिक नहीं बताता, मैं मेथड बताता हूं, बस मेथड को आपको अलग तरीके से दिखाना है। ये क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, देखो दोस्तों एक बार मैं आपको खोल के दिखाई देता हूं जिससे कि आपके सभी की शंकाएं खत्म हो जाएं कि मैं ऐसा करता क्यों हूं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, चलो ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया, संख्या मेरी हो गई 2x और 3x, कोई दिक्कत। अब एक संख्या में 2 घटा दिया जाए पहली संख्या में और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। अब मुझे x का मान निकालना है, तो देखो जरा 2×4x-4=3x+2, यहां से कितना आया 3x, 4x में से 3x जाएंगे तो कितना आएगा 1x बराबर कितना आ जाएगा 4×2=6। मेरे प्यारे भाई कान कैसे भी पकड़ लो, बात तो वही है, एक x बराबर 6 आ गया तो संख्या क्या हो जाएगी 6×2=12 और 6×3=18। अब संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 30। क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना, ये याद रखना जिंदगी में, जो चीजें हैं वो हैं आपके सामने और हमेशा रहेंगी। तो वो चीज मैं इस तरीके से लिखने की बजाय आपको बहुत आसान बता रहा हूं, बस ये इतना मेरा काम है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप वो ही लगाओ, ये भी आप समझ सकते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि लड़ाई कंसेप्ट को आप एक अलग लेवल पे ले जाओ, क्योंकि सिखाया हुआ है बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न क्या कहता है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ले भाई बना ले, ले भाई बना लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों क्या कह रहा है, देखो 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दे रखा है 2:3:5, 20-20 हर कक्षा में जोड़ दिए जाते हैं, 20-20-20, चलो भाई कोई बात नहीं, अनुपात होता है हो जाता है 4-5-7, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूंगा, बस इन दोनों में लगा लूंगा लड़ाई कंसेप्ट, 5×10, 4×3=12, तो 12 में से 10 गए तो 2:20×100 और 20×4=80। मैं 100 में से 80 को घटाऊंगा, क्यों करूंगा ये काम मैं, क्योंकि चिन्ह समान है, साइन अगर सेम होते हैं तो बड़े में से छोटा घट जाता है। देखो 20×100 और 80, 1:10 आ जाएगा आपका 10। आपको क्या करना है, तो शुरुआत में कितने छात्र थे, तो देख लो 5×3=8×2=10, तो 10×10=100 छात्र थे शुरुआत में, शुरुआत की बात की गई है, आंसर आपके सामने है। मजा आ रहा है, अभी तो और आएगा, यहां से अब थोड़ा सा लेवल अप होगा, और मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, मुस्कुरा दो, खुश रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ये लीजिए आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सर कुछ नहीं है भाई, कहीं कुछ नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, मैथ आपकी खत्म है, खत्म मैथ है बिल्कुल, क्यों, आप बस सीखते जाओ, आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। अरे सर आन दो क्वेश्चन को, तो ये लो 30 सेकंड देता हूं, एक बार दिमाग लगा लो, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा कि कितना आसानी से सोच सकते थे, सोचना ही सब कुछ है। भाई देखो टाइम पे आया करो यार, है ना, 11 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है और मजा आता है, देखो यार पढ़ाई किया करो तो समझ में आएगा, बीच में आके बस दोबारा समझाओ, दोबारा देख लेना वीडियो, बस चलो। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, टाइम सप हो गया, और इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
80 लीटर मिश्रण है। क्या कह रहा है भाई? 80 लीटर मिक्सर है। मेरी बात समझना मेरे प्यारे भाइयों, बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूं, एक एक कंसेप्ट कीमती है आपके लिए। दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है 7:3, ठीक है। ये कब है? जब 80 लीटर मिक्सर है, ठीक है। ये अभी तो ये है रेशो, अभी तो ये है। ये रेशो क्या होता है? रेशो कोई हकीकत नहीं है कभी भी। रेशो क्या होता है? हाँ ठीक है, रेशो क्या होता है? कोई हकीकत नहीं है, है ना। रेशो काल्पनिक चीज है, 7:3 है, ठीक है। अभी बात करता हूं आपसे, यदि अनुपात 2:1 करना हो, मुझे जबरदस्ती अनुपात को 2:1 करना है, तो मैं कितने लीटर पानी मिलाऊंगा? ये क्वेश्चन है भाई। मुझे पानी मिलाना पड़ेगा तभी तो ये अनुपात होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, कम ऑन यार। बात ऐसी है दोस्त कि पानी को मिलाया गया है, क्या दूध को छेड़ा है? क्या दूध ने तो कुछ नहीं किया ना अपनी जिंदगी में, वो तो जैसा पहले था वैसा अब है। तो यार दूध के साथ नाइंसाफी क्यों? क्योंकि यहां तो 7 दे रखा है दूध को, यानी कि 7:1, यहां 2:1, गलत बात। अगर पानी मिलाया हो तो मिलाया हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूध के साथ नाइंसाफी मैं नहीं सहूंगा, यानी कि मुझे दूध को बराबर करना है। यहां 7 है तो मैं बराबर कैसे कर सकता हूं 7 और 2 को? यहां पर मैं 2 का गुणा कर दूं पूरे अनुपात में, और यहां पर मैं 7 का गुणा कर दूं पूरे अनुपात में, तभी तो मेरा ये 14:14 हो पाएगा। बाकी और कोई मेरे पास साधन नहीं है बराबर करने का। तो मैंने क्या किया, मैंने जानबूझकर अपने इंटेंशनली मैंने दूध को बराबर कर दिया, क्योंकि दूध तो मिलाया नहीं गया ना, पानी मिलाया गया है, पानी की वजह से गड़बड़ हुई है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला गया है जरा क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। जब ऐसा हुआ तो पहले पानी कितना था? 6:1, और अब कितना हो गया? 7:1। बात समझ में आ रही है? पहले पानी 6:1, अब 7:1, यानी कि जो मिलाया गया है वो 1:1 है, मिलाया गया है वो 1:1 है। बस क्वेश्चन तक पहुंच रहे हो? मेरी बात समझ में आई? पहले तो हमने देखो दूध को छेड़ा नहीं, तो दूध के रेशो को बराबर कर दिया, पानी को मिलाया गया, तो इस स्थिति सामने आ चुकी कि पानी का पहले 6:1 था और अब 7 हो गया। तो मुझे ये बताओ, ये 80 लीटर है ना, 80 लीटर को मैं किस अनुपात के बराबर करूंगा? जल्दी से मेरे को कॉमन सेंस बताओ। आप ये मत कह देना मुझसे कि 80 लीटर क्या है, पहले वाले मिश्रण का अनुपात है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, पहले वाले का। तो ये मैं पहले वाला अनुपात 7:3 लूंगा या ये वाला लूंगा, आपसे मेरा प्रश्न है। जो मैंने अब बनाया है ये वाला लूंगा या पहले वाला लूंगा? ये यही तो कॉमन सेंस है, यही तो समझना है बस कि क्यों लेते हैं, क्यों करना है, है ना। अजीत कुमार निराला, मेरे प्यारे भाई लेवल आप ही है, और यही लेवल आपके रेलवे का है, और ऐसा ही क्वेश्चन है, आप उठा के देख लो, और मैं आगे लेवल बढ़ा रहा हूं, आप टेंशन ना लो, बस बोलो मत बार बार इस चीज को ना। जब सारी रामायण इस रेशो पे हुई है ना, तो ये वाले रेशो के बराबर होगा, ध्यान रखना। तो बस आपने जब क्वेश्चन का आंसर दिया, आपने चाहे गलत दिया हो, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा, पेपर में डाउट नहीं रहेगा। अब वाले के बराबर होगा, यानी कि 14 और 6 20, तो 20:1 बराबर 80 लीटर है, तो 1:1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 लीटर। और कितना मिलाया गया है? 1:1 ही तो मिलाया गया है, तो आंसर आ जाएगा 4 लीटर। मजा आया, मजा आया, खुद प्रैक्टिकल हो जाओ। यहां प्रश्न मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपसे करवा रहा हूं, ये चीज सीखो यार, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ में आया वो खेलेगा खेल, और जिसको पहले वाला कह रहा है, पहले वाला तब था जब 2:1 रेशो था, तभी तो भाई रेशो क्या है, संबंध है आपस में। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये भी चेंज हो गया, तो ये जब मेरा चेंज हो गया है तो मैं भी तो अब वाला लूंगा, पहले वाला क्यों लूंगा भाई, पहले वाला क्यों लूंगा, अब वाला लूंगा। चलो आगे चलता हूं, आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाई कंसेप्ट का एडवांस वर्जन। मजा आ जाएगा दोस्तों, दिमाग लगाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, है ना। बहुत प्यारा प्रश्न ले रहा हूं आपके लिए, अब मजे आने वाले स्टार्ट हो रहे हैं, और आप इतने अच्छे से करोगे ना, मुझे भरोसा है। मैं समझाऊंगा तो सही, लेकिन करोगे बहुत प्यारा से। मैं आपको समय देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, 50 सेकंड का, बहुत है, करके देखो एक बार। हां भाई एक्टिंग कर रहा हूं, कौन कह रहा है? बिल्कुल,
चलिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत लाजवाब है, शानदार है, जबरदस्त है, लेकिन खूबसूरती आपके चेहरों में है, यहां तो मैं बता ही रहा हूं। देखिएगा, किसी परीक्षा में होने वाले की संख्या पास होने वालों की संख्या और फेल होने वाली संख्या का अनुपात दे रखा है, यानी कि 25:4। ये भैया पास हो रहे हैं और ये फेल हो रहे हैं। भाई कोई परीक्षा में बच्चे बैठेंगे या तो पास होंगे या फेल होंगे, कोई बीच में तो रहेगा नहीं। बात तो क्लियर है, दिमाग में तो सेंटर टेंशन नहीं है। चलो टेंशन तो होनी नहीं चाहिए भाई, समझ लो, अभी बता रहा हूं, ये मत सोचो कि यार क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत आसानी आसान से करवा दूंगा। और क्या चाहते हो? अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, टोटल विद्यार्थी कितने होंगे आपके हिसाब से, आप बताओ। भाई सर 25 पास होने वाले हैं, रेशो में 29 हो गए, फर्क नहीं पड़ता। भाई दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि टोटल कितने पास और फेल वाले होंगे, या तो बच्चा पास होगा या फेल होगा, खत्म काम। टोटल 29 हैं, 29 रेशो में हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यानी कि 5 और अधिक परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो अनुपात वो होता, यानी कि नया अनुपात क्या है, 22:3 है। अब मेरी बात प्यार से समझोगे ना तो मजा आ जाएगा, प्यार से समझोगे तो मजा आ जाएगा, बस प्यार से बता रहा हूं, एक चीज समझ लो। यार क्या कहानी है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे बस इतना समझ में आया है कि पहले अनुपात ये था और अब अनुपात ये है, लेकिन बीच में ये रामायण क्या हुई है कि 5 और आ जाते और 2 फेल होने की संख्या 2 कम हो जाती। क्या कम हो रही है, पहले तो देखो ये काम कर लो, फेल होने वाले कितने कम हो गए, 2 कम हो गए। हाँ फेल होने वाले 2 कम हो गए। अच्छा मुझे ये बताओ, फेल होने वाले 2 कम हो गए, बच्चे कितने भरे हैं, कुल मिला के बच्चे कितने भरे हैं, कुल मिला के बच्चे कितने भरे हैं, 5, यानी कि अपने बच्चे 7 पास हो गए होंगे, और अंतर देख लो 7 में से 2 गए तो 5 ही भर रहे हैं टोटल। कॉमन सेंस वाली बात है, एक बार दोबारा से समझो, मैं दोबारा से बताऊंगा, मैंने कुछ नहीं कहा, पहले इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, समझो, मैं समझा रहा हूं, कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। भाई देखो कॉमन सेंस वाली बात है कि पहले पास फेल उतना था, ठीक है, 5 और अधिक हो गए, मतलब टोटल में 5 और आ गए हमारे पास विद्यार्थी। अब आने से क्या हुआ कि 2 फेल होने वालों की संख्या 2 कम होगी, मतलब डायरेक्टली फेल होने का अनुपात तो 2 कम हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन टोटल कितने आए हैं, टोटल 5 आए हैं, तो ये 2 कम हो गए तो ये 7 होंगे, मतलब पास होने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, और देख लो 7 में से 2 गए तो 5 आ रहे हैं टोटल, 5 आ रहे हैं, ठीक है। 7 कैसे आया देख लो भाई, 7 भाई 2 तो फेल हो गए और 7 पास हो गए, तभी तो 5 बढ़े हैं, संख्या में 5 की वृद्धि हुई है ना भाई, ठीक है। तो 7 कहां से आया, समझ में आया भाई, 2 जब फेल कम हो जाएंगे, मतलब 2 फेल कम हो रहे हैं यानी कि वो पास हो गए, 7 आ गया, और आने भी तो टोटल 5 चाहिए, तो 7 में से 2 गए तो 5 आ रहे हैं टोटल। यहां तक क्लियर है, समझ गए, देखते रहो समझ में अपने आप आएगा। तो देखो लड़ाई कंसेप्ट, 25 3 75, 22 4 88, 88 में से 75 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, कोई बताएगा मुझे, 88 में से 75 घटेंगे तो आप कह दोगे कि सर 13:1, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन आप करोगे, और मैं ये नहीं चाहता कि किसी का गलत हो, ठीक है, 13:1, तो मैं देख रहा हूं चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या होगा, जुड़ेगा बस, 7 3 21 और 22 2 44, 21 और 44 65, 1:1 बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो यहां पर आपके सामने कुछ भी निकालना हो निकाल सकते हो, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या 29, भाई टोटल तो 29 थे ना, 29 into 5, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 * 45, 9 5 2 10 और 4 14, 145। पहली बात तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि भाई परीक्षा में शुरू में बैठने वाले 145, परीक्षा में बाद में बैठने वाले 150, तो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे शुरू की बात की गई है तो मैंने शुरू निकाले हैं 145। बात क्लियर हुई, नहीं हुई, नहीं समझ में आया, जाने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगला प्रयास आप लोगों का होगा। अगर दिल से अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, जिनसे जो मेरे मतलब जो सीखने आए हैं, सच बता रहा हूँ दिल से, एक एक चीज प्यारी प्यारी पढ़ाऊंगा, दिल से लाइक करना जितने भी लोग देख रहे हैं। आगे चलता हूं अगले प्रश्न के लिए, उसको करो पहले, फिर बाकी आप मोटिवेशनल क्वेट पर चलेंगे। इस क्वेश्चन को कर लो, चलो वही दिमाग लगाना है, वही कंसेप्ट अपनाना है, 50 सेकंड का समय देता हूं, लड़ाई कंसेप्ट लगाना है, ये लीजिएगा।
चलिए भाई, उम्मीद तो यही करता हूँ सबका आंसर आ गया होगा, और मजा तब है जब आंसर आ जाए, और नहीं आया तो सीख लो भाई। अब ये लो, ठीक है, अब देखो कितना प्यारा प्रश्न है और कितने प्यारे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। और जिसको समझ नहीं आया वो अभी भी तो है पिक्चर में, जब तक मैच से बाहर नहीं हो जाओ तब तक खेलते रहो, ठीक है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी का अनुत्तीर्ण होने वाले, बात वही है, मतलब 4:1 है किसका, पास और फेल का। चलो भाई, पास और फेल का 4:1 है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती है ना, टोटल 35 कम हो रही है, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 9 अधिक होती, अनुत्तीर्ण मतलब यहां 9 अधिक हो रहा है, तो मुझे बताओ 35 कम होने के लिए मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, 44 कम करना पड़ेगा। सोचो, सोचो एक बार कि ये 44 कैसे आया। मैंने क्या कहा था, मेरी ओवरऑल 35 कम होनी चाहिए, ओवरऑल 35 कम होनी चाहिए, 9 जब यहां बढ़ रहे हैं फेल होने वाले, तो पास होने वाले 44 घटेंगे तभी तो 35 कम हो जाएगा डेफिनेटली। और यहां पर अनुपात 2:1 होना चाहिए, मजा आ रहा है, एक लाइन में 4:4, 2:2, 4 में से 2 गए तो 2:1 बराबर, चिन्ह अलग अलग हैं तो भैया पिक्चर जुड़ जाएगी, तो 44 और 18 कितना हो जाएगा जल्दी से मुझे बता दो, 44 और 18 कमऑन तो हो जाएगा 62, 1:1 बराबर अपना हो गया 31, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, है ना, तो मतलब पहले की पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो 5:1 है तो 31 × 5 155, ठीक है, 155 विल बी योर आंसर, सिंपल, दैट सॉल्व योर ऑनर। और आपके सामने ये प्रश्न इतने से में हो गया है, अब मुझे नहीं पता इसमें भी अगर कोई गलती निकाले और कुछ बुरा माने तो माफ़ी चाहता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। चीज़ें समझो यार, बस समझने वाली बात है यार, है ना, और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। चलता हूँ अपने मोटिवेशनल क्वेट पर आज के, अभी तो क्वेश्चन बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, ठीक है, मोटिवेशनल क्वेट पर चलता हूँ, ये आज का मोटिवेशनल क्वेट है आपके लिए है, अभी तो क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। चलो, ये मेरे प्यारे भाई जो सुबह कम्युनिटी में करते हैं उनसे ही एक अच्छा सा एक मोटिवेशनल क्वेट निकल पाता है, जरा देखिए, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कि जब तक जीना तब तक सीखना, क्योंकि सीखना बंद तो सफलता बंद, सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप चाहे आता भी हो ना सब कुछ तो भी सीखो, क्यों, सीखना बंद है भाई तो कुछ नहीं है, सीखते रहो। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो जिससे कि मुझे अच्छा लगे, और शानदार कंसेप्ट आपके सामने फिर से निकलेगा आपकी आंखों के लिए, बहुत प्यारा मजा आ जाएगा। देखो यार, है ना, चीजें बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है लेकिन मैं फिर भी आपको 40 सेकंड दे रहा हूं। कोई समझाए इनको कि मैं बेसिक से ही चल रहा हूँ, डेली क्लास होती है 11 बजे, कोई तो ये कह रहे हैं कि सर आप तो को बेसिक नहीं पढ़ाया, सब कुछ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जब क्वेश्चन हाई लेके आता हूँ तो कहते हो सर बेसिक से पढ़ाओ, जब बेसिक कराता हूँ तो कहते हो हाई लेवल लाओ। तो भैया ये तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप तो शुरू से पढ़ो बस, अगर मैदान में रहना। चलो भाई, टाइम सब हुआ है और इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देना है। पीछे वाला फिर से डेफिनेटली बता दिया, मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, 1 क्वेश्चन मैंने करवाया था, 1 क्वेश्चन आपने किया है, इस क्वेश्चन को समझते हैं क्योंकि जरूरी है। मैं देखो दोस्तों, मैं ना आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ, और आसान तरीका कैसे यार, ये सर क्या है, ये 432 विद्यार्थी दे रखे हैं और लड़कों लड़कियों का संख्या का अनुपात दे रखा है, तो क्या हम संख्या निकाल लें, ना अभी मत करो कुछ काम ऐसा। अगर आपने ऐसा सोचा है कि मैं अगर ऐसा काम कर लेता हूं तो आंसर आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा। मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि 432 टोटल मेरे पास विद्यार्थी हैं, बॉय और गर्ल का रेशो कितना दे रखा है, मैं तो लड़ाई कंसेप्ट लगाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, 5:4 बॉय और गर्ल का रेशो, 5:4। अब क्या बोला गया है कि स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां आ जाती हैं और लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, यानी कि लड़के तो 12 आ गए लेकिन लड़कियों का मुझे नहीं पता, लड़के 12 आ गए हैं और लड़कियों का मुझे नहीं पता कि कितनी आई हैं। और उसके बाद रेशो क्या हो जाता है, 7:6, यहां तक ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई क्या, ये बता दो भाई, लड़ाई कंसेप्ट का जो फॉर्मेट होता है ये समझ में आ गया क्या, आ गया, यहीं से पिक्चर स्टार्ट होने वाली है। देखो अब आ गया तो देखो क्या कर सकते हैं, हम करते क्या है, हमारे हाथ में क्या होता है, हम ये करते हैं
कि सर आप तो ये करते हो हमेशा, 6 पंजे 30, 7 चौके 28, 30 में से 28 गए तो मतलब 2 रेशो को आप बराबर कर देते हो किससे, आप कहते हो सर 7 चौके 28, सॉरी अब मैं इससे करूंगा 7x 12 छिंग 72, यानी कि 7x-72। अब मैंने ये क्यों किया पहले समझ लो, क्योंकि चिन्ह समान है, बड़े में से छोटा घट जाएगा, बड़े में से छोटा घट जाएगा। आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि 7x ही बड़ा है। बिल्कुल सही डाउट है आपका, बिल्कुल सही डाउट है, लेकिन जब आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो नेगेटिव में आ जाएगी। अगर आप कहते हो भाई ये तो सही है, देखो ये तो मैंने लिख दिया 7x-72, आप लिखते हो वही काम करा है मैंने, वही काम करा है तो ये तो सही है। अगर आप सोचते हो कि सर दो, देखो 6 पंजे 30, 7 चौके 28, 30 में से 28 गए तो 2 रेशो बराबर, 12 छिंग 72 माइनस 7x करूंगा मैं तो सर, ठीक है दोनों कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है कैसे पता लगेगा कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, तो दोनों ही समझाऊंगा, दोनों ही चीजें मस्त हैं। अब ध्यान से देखो मेरे सभी प्यारे भाइयों, ये चीज और ये चीज सेम है। अब मुझे बताओ कि ये 2 रेशो बराबर क्या है, हम जानते हैं 9 रेशो बराबर क्या हो जाएगा, 432। क्या मैं कह सकता हूं हाँ या ना में जवाब दे दो सब लोग, चलो मैं वेट कर रहा हूं आपके हाँ या ना के जवाब का। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 9 रेशो बराबर 432 है, हाँ मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने शुरू में नहीं निकाला था, मेरी मर्जी, मैंने लड़ाई कंसेप्ट लगा दिया, मेरे पास वो इक्वेशन निकल के आ गई 9 रेशो बराबर 432 है, तो मैंने 1 रेशो की वैल्यू यहां से 2 मिनट में निकाल ली। 1 रेशो बराबर कितना आया, 9 9 2 18, 9 9 5 9 4 36, ठीक है, और 9 8 72, 1 रेशो बराबर 48, तो 2 रेशो बराबर क्या हो जाएगा 96, तो मुझे 2 रेशो की वैल्यू यहां रखनी है 96, 72 में जोड़ दूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 168, और ये किसके बराबर है 7x के, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 2 14, 7 4 28, 24, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 24। अगर मैं ये चीज यहां करता हूं ना तो 2 मिनट में आप देख पा रहे हो यार, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यहां इसके बराबर, ये किसके बराबर है 96 के बराबर, क्योंकि 1 रेशो बराबर 48 था, 2 रेशो बराबर 96, तो ये नेगेटिव में जा रहा है, तो पॉसिबल नहीं है ना नेगेटिव में, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सिंपल सा लॉजिक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो यही चाहता हूं यार आपके डाउट ही सारे क्लियर हो, क्योंकि कल को आप मुझसे पूछो तो मुझे बताना, मेरी जिम्मेदारी है बताना कि ये क्यों होता है ये क्यों नहीं होता, कौन जिम्मेदार होगा भाई, डाउट तो आपके ही आएंगे ना यार, गलती तो आपकी भाई, आप सीख रहे हो ना, बात तो यही आती है, सिंपल सा लॉजिक है। अभी तक किसी के अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो परेशान मत होना, अच्छा लग रहा है दिल से लाइक करते जाना, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं उसको करना मन लगा के। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अब इस क्वेश्चन को करो, क्योंकि देखो मैं यही चाहता हूं सीखो जितना सीख सकते हो, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को करो, मैं आपको समय देता हूं, बस मात्र 20-30 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन 40 सेकंड ले लो, एक बार करके दिखा दो बस। पेपर में जल्दी करने का तरीका यह है कि पहले सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर अपने आप जल्दी हो जाएगा। आप सोचो कि मैं पहली बार कर रहा हूं जल्दी हो जाए, मजाक थोड़ी है, मैथ है भाई, सीखना तो जरूरी है ना, पहले सीखो तो सही। टाइम सब हो गया, टाइम सब हो चुका है, क्या करना, मुझे रेशो से कोई मतलब नहीं, मुझे 660 से अभी कोई मतलब नहीं है, मैं अभी इसको जिंदगी में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, मैं अकेले जिंदगी बिताना चाहता हूं। 13:9 दे रखा है, कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश कर दिया, यानी कि ये किसका है, लड़कों और लड़कियों का, बॉय और गर्ल का रेशो है, यानी कि लड़कियां आ गई है 30। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया, लड़कियां आ गई है 30, ठीक है भाई आ गई है तो मैं क्या करूं, और कुछ लड़के छोड़कर चले गए, यानी कि लड़के बेचारे छोड़कर चले गए, लड़कियां आती, अब यहां मैच उल्टा है लेकिन मजा आ रहा है कि कर पा रहे हो आप, ठीक है भाई। अनुपात क्या हो गया, 6:5, चलो भाई हो जाने दो, हमारा क्या ले रहा है अनुपात, मैं क्या करूंगा, अपनी 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 जो पुरानी गाथा है उसको गाऊंगा, 13:65 और 9:54, 65 में से 54 में घटाऊंगा तो 11 रेशो आ जाएगा, 11 रेशो बराबर किसके होगा, यहां मैं जानता हूं 6 3 18
माइनस पांच एक्स, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि भैया मैं ऐसे कर दूं पांच एक्स है ना, जुड़ेगा घटेगा जुड़ेगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, यानी कि पांच एक्स प्लस 180। बात समझ में आ रही है? घटा क्यों नहीं, घटा क्यों नहीं, घटा क्यों नहीं, क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं, जोड़ दिया। 11 रेशो का मान क्या है मुझे नहीं पता सर यहां, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहां पे जो 22 रेशो है वो आपका किसके बराबर है, 660 के, तो 11 रेशो बराबर आपका कितना है 330 के। तो यहां पे आप 11 रेशो की वैल्यू क्या रखोगे, 330 में से आप 180 घटाओगे, यानी कि 5x, और यहां से कितना आ रहा है 150 बराबर 5x, यानी कि आपका x आ जाएगा 30। तो कहने का मतलब जो लड़के छोड़कर गए थे वो कितने थे, 30 ही लड़के छोड़कर गए थे। मजा आ रहा है, एक स्पष्ट रणनीति समझ में आ रही है आपको, चीजें क्लियर हो रही हैं, हां या ना, अच्छा लग रहा है? चलिए आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए अगला क्वेश्चन ये है भाई, मजा आएगा भाई है ना, अब यही तो चीजें हैं जो सीखोगे। ये लो अगला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा अलग टाइप है याद रखना, नहीं हो तो घबराना नहीं, अलग टाइप है, टाइप अलग है, क्योंकि पढ़ के समझ में आ जाएगा कि सर टाइप अलग है। ये लो टाइप अलग है भाई, पहले ही बोल रहा हूं, 40 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, एक बार कोशिश कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, मैं समझाऊंगा इसको है ना, मैं आपको खुद समझाने वाला हूं। माइनस क्यों किया, वो क्योंकि लड़के जा रहे थे ना भाई, दीपक फोगाट। 180 रुपए को 66 पुरुष और महिलाओं में बांटा जाता है, सभी पुरुषों को मिलने वाली राशियों और महिलाओं को मिलने वाली राशि का अनुपात 5:4 है, और एक पुरुष को मिलने वाली का अनुपात 3:2 है, तो पुरुषों की संख्या बताओ। क्वेश्चन देखो, आ जाओ, कम ऑन गाइस, क्वेश्चन कह रहा है कि सर 66 पुरुष हैं या 180 रुपए का क्या काम है, हमसे पैसा पूछा है क्या, कुछ कुछ नहीं पूछा भी। मजेदार क्वेश्चन है यार, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है? जरा देखो, 66 पुरुष हैं जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो, यार एक चीज समझाता हूं आपको, मेरे गांव में एक्स लोग हैं, मतलब एक्स पुरुष हैं और वाई महिलाएं हैं, और इनका अनुपात कितना है 5:6, मेरी बात समझना, 5:4 ही मान लेता हूं, ठीक है? मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आदमियों की संख्या एक्स, और मतलब आदमी और औरतों का अनुपात है एक्स अनुपात भाई, लेकिन इनकी राशियों का अनुपात क्या है 5:4, यानी कि टोटल 5x और 5y हो जाएगा। और आपसे मैं ये कह दूं कि अगर मैं एक का भाग दे दूं तो क्या मेरा उनकी संख्याओं का अनुपात नहीं निकल के आ जाएगा एक्स वाई का? भाई मैं सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, ये टोटल राशियों का अनुपात है, और मैं सिंगल सिंगल राशि का अनुपात दे दूं, यानी कि मैं आपसे बोल देता हूं, एक चीज बताता हूं आपको, चलो ये समझ में नहीं आया होगा, एक चीज बताता हूं, मेरे गांव में जितने भी पुरुष हैं ना उनको 50 रुपए मिलते हैं, ठीक है, और एक पुरुष को मिलने वाली राशि है 5 रुपया, तो मुझे ये बताओ कि गांव में कितने पुरुष हैं। बस लॉजिक समझो, लॉजिक समझो, क्योंकि लॉजिक समझाना मेरा काम है। 50 रुपए मिल, मैं गांव में 50 रुपए बांट देते हैं हम लोग, और एक एक आदमी को 5 रुपए देते हैं, तो आप क्या करते हो? सर क्या बात कर रहे हो, 50 में 5 का भाग दे दो यानी कि 10 आ गया। हाँ, और ये 10 क्या है, उन आदमियों की संख्या ही तो है, और क्या है? तो मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, मैं यही तो कह रहा हूं आपको, कुछ भी तो नहीं करना, आपको निकालना है 66 पुरुष है तो इनका रेशो निकालना है आदमी और औरत का। तो मैं ये कह दूं डायरेक्टली, टोटल राशि 5 है और सिंगल की 3 है, तो 5:3 और 4:2, तो आदमी और औरत का, मेल और फीमेल का रेशो ये आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो 5:6, क्योंकि 5/3 यहां से 2, 3 ऊपर चला जाएगा, और मैंने आपको बता रखा है पहले ही, तो कुछ नहीं है, ये अनुपात में आप 66 को बांट दो तो मैं ये कह दूंगा कि 11:66 है, 1:6 है, आदमी कितने हो गए 30, औरत कितनी हो गई 36 फीमेल है, आदमी मेल है। मजा आया ना, लॉजिक क्लियर हो रहा है? अब किसी भी चीज को आसान इस तरीके से बनाओ ना यार, क्या दिक्कत है मुझे बताओ।
समझने में कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताओ, क्वेश्चन है तो आसान ही ना, बस खेल है समझने का और खेल खिलाड़ियों का भी तो है। चलो यहां से क्लियर हुई चीजें, चलिए अब आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी करा चुका हूं और आज भी कराऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार करा देना चाहिए, पेपर में तो मैंने दिया था आपको, ये लो एक बार करके देखो कि आप कर सकते हो, तरीका बहुत शानदार बताऊंगा, फिर अगला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? 40 सेकंड का वक्त देता हूं, करके दिखाओ। हाँ, कितना बोलता है, संजना कह रहा है जाने, चंदना लड़का है जाने लड़की है पता नहीं, ठीक है, कितना बोलता है ये मास्टर बताओ यार, बोले भी नहीं मास्टर। तो गाइस टाइम सब हो गया, अब बच्चों को डाउट आ रहा है पिछले वाले में, फिर से वही बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, एक चीज़ बार बार समझाऊंगा और आपका आंसर अब आपके दिमाग में सेट हो जाना है। 180 का क्या रोल है, कुछ नहीं है, अगर पैसे पूछता तो पैसे निकाल लेते, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बताऊंगा भी, चिंता ना करो, ठीक है? तो यहाँ पे मेरी बात सुन लो सब लोग, मैंने कुछ नहीं किया यार, देखो मैं यही तो कैसे कह रहा था कि मान के चलो गांव में 65 रुपये मैं बांटता हूँ सभी आदमियों को, सभी आदमियों को, ऑल जो पीपल है ना, जितने भी आदमी हैं, ऑल मेल्स को मैं कितने रुपए देता हूँ, 65 रुपये, ठीक है, और एक मेल को मैं देता हूँ, एक पुरुष को मैं देता हूँ 5 रुपये। तो मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूँ कि यार मैं देख, मैं एक आदमी को तो 5 रुपये देता हूँ और कुल मिला के मैं 65 रुपये देता हूँ, कुल मिला के 65 रुपये देता हूँ, तो आप कहोगे यार 13 आदमी है क्या तेरे पास, तो मैं कहूँगा जी हाँ, आपको कैसे पता? अरे भाई 65 में 5 का डिवाइड कर दिया, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे भी तो ये कह रखा है कि पुरुष की कुल राशि कितनी है, 5 अनुपात, महिला की कुल राशि 4 अनुपात, और एक महिला और एक पुरुष को मिलने वाले का अनुपात है 3:2। तो पुरुष की कुल राशि 5 में एक सिंगल पुरुष की राशि का अनुपात का भाग दे दूंगा तो 5:3 आ गया, और इसमें 4 में 2 का भाग दे दूंगा तो ये आ जाएगा, तो ये संख्याएं निकल जाएंगी ना, बस संख्याओं का अनुपात आ गया। और 5:6 कैसे आया मेरे महाराजों, ये क्लास रेशो की मैंने शुरू में बताया था, अब वही वाली बात करते हो ना, गुस्सा आता है फिर मुझे यार, लॉजिकल बात नहीं समझ में आ रही आपको, ये कैसे बनाते हैं रेशो, 5:3:2 दे रखा है, अब इसको मुझे रेशो बनाना है तो मैं 3 का इधर गुणा कर दूंगा तो 5:6 ही तो हो जाता है। रेशो में नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए, जो नीचे का कचरा है वो ऊपर गुणा कर दो, ठीक है? चलो समझो तो सही, ये लो इस क्वेश्चन को समझाता हूं आपको, मुझे आप बताओ कि आय और व्यय में क्या होता है ना, आय और व्यय में क्या होता है भाई, अंतर क्या होता है? मैं ये कह दूं कि मेरी 50 रुपये आय है, उसका 20% मेरा खर्चा है, मेरी बात समझ रहे हो, 50 रुपये मेरी आय है, उसका 20% मेरा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि मेरी 80% बचत होगी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी आय 50 रुपये है उसका 80% बचत होगी? कह सकता हूं नहीं कह सकता ये बता दो, क्योंकि आय हमेशा 100% होती है ना, आय हमेशा 100% यार कैसे इंसान हो बताओ, एक बच्चा पूछ रहा है देखो जैसे कोई मैंने जादू कर दिया हो, सर ये 4 कहां चला गया, बड़ी टेंशन है इसके यार, है ये 4/2 आ गया यहां पर, हे भगवान। चलो भाई कोई बात नहीं, सीख लो बस कैसे भी करके। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको, चलो यही केस है इसमें भी, अब क्या क्या गया है, अब ये बताओ मुझे ABC का आय का अनुपात दे रखा है 7:9:12, ये क्या है, आय का अनुपात है, बात समझ में आ रही है क्या, ये आय का अनुपात है ना, और खर्च का अनुपात है ये, और पता है ये जिसने ये डाउट पूछा है ना मुझसे, अब ये भाई साहब इसका इतना गुस्सा आ रहा होगा कि देख मास्टर बताता ही नहीं है, गायब कर देता है अपने हिसाब से, 4/2 लिख देता है, ऐसे भी है, ऐसा नहीं है भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इतनी सी चीज़ तो बता, समझ सकते हो आप, है ना, ये चीज़ समझ लो बस, मैं प्यारी सी चीज़ बता रहा हूँ, एक चीज़ एक कंसेप्ट बता देता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका और इसका रेशो बराबर है,
आप क्या ये कह सकते हो कि सर इनकम भी 9 अनुपात है और एक्सपेंडिचर भी 9 अनुपात है, ये मतलब ये दोनों बराबर हैं आपस में, कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि आपको इतना तो अंदाज होगा कि इनकम का रेशो अलग अनुपात में चलता है और एक्सपेंडिचर का अलग अनुपात में चलेगा, क्योंकि ये इसका अनुपात है, वो अलग अनुपात है, इनका एक दूसरे से अभी कोई संबंध नहीं है, संबंध हमें बनाना है ना। अभी पार्टनरशिप स्टार्ट करूंगा मैं, पार्टनरशिप अपन कल प्रपोर्शन और पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका थर्सडे की नाइट को टेस्ट होगा और फ्राइडे को सॉल्यूशन होगा, जैसा कि चलता आया है, ठीक है। चलिए तो यहां पर इस चीज को समझ लेते हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा, फिर होमवर्क दे दूंगा, ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। अब आगे मैं एक चीज कहता हूं आप लोगों से, आगे मैं एक चीज कह रहा हूं, इसने बोला है कि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए की आय 7x है, ए की आय 7x है, 1/4 बचाता है तो 3/4 खर्च करता है, और ये खर्चा किसके बराबर हो जाएगा, 8y के बराबर हो जाएगा। जला सी बात समझ लो, समझ लो जरा से, मेरी बात समझ रहे हो क्या? मैंने कैसे किया मैं दोबारा बता देता हूं भाई, ये इनकम का रेशो है, मतलब इनकम है पूरी पूरी, ये एक्सपेंडिचर है। इसने एक रिलेशन दे रखा है, ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, यानी कि 3/4 खर्च करेगा, क्योंकि चीजें 100% होती हैं हमेशा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 7x का 3/4 8y है, तो यहां पर ऐसे कह रहा है कि भाई x और y का रेशो कितना आ जाएगा, 8 × 32 अनुपात 21, बस x का मान 32 रख दो, y का मान 21 रख दो, आंसर आपके सामने होगा, कुछ नहीं करना। यानी कि सर कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर क्या कर दो, 7 का 32 से गुणा कर दो, 9 का 32 से गुणा कर दो और 12 का 32 से गुणा कर दो, और आपको बचत का निकालना है तो एक्सपेंडिचर को घटा दो, 8 का 21 से गुणा करके इसमें से घटा दो, 9 का 21 से गुणा करके इसमें से घटा दो और 15 का 21 से गुणा करके इसमें से घटा दो, आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात आपको करनी है, ठीक है। सर नहीं आया समझ में, क्या कर दिया पता नहीं, चलो क्वेश्चन की थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे क्योंकि आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ये लीजिए, हर चीज को बताने के लिए तो आया हूं भाई, मैं कोई ऐसे थोड़ी हूं भग जाऊंगा, ये लो इस क्वेश्चन को करो और आंसर निकाल के दिखाओ और संतुष्टि पाओ, ये 40 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, सेम कंसेप्ट है, सेम चीजें हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाओ फटाफट। टाइम सब हो गया, कॉन्सेप्ट फॉलो करना है और देखो चुटकियों में आंसर आएगा। आय का अनुपात दे रखा है 2:3:4 और मुझे पता है आय क्या हो जाएगी 2x, 3x और 4x, क्योंकि आय का कोई इनकम का कोई खर्च से कोई रिलेशन नहीं है, तो इनकम ये हो गई। एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, मैं वही मानता हूं 3y, 4y और 5y। अब मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, मुझे पता नहीं कैसे आएगी, लेकिन मैंने इतना देखा है कि ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, यानी कि अगर ए अपनी आय का खर्च करेगा कितना, 4/5 और ये किसके बराबर होगा, 3y के। भाई ए में तो संबंध दे रखा है ना, तो ए में जो इनकम और खर्चे में संबंध यही तो है, अगर 2x का 4/5 इनकम का 1/5 अगर बचाता है तो खर्चा इतना करेगा, तो यहां से x और y का अनुपात कैसे आया, 5 को इधर गुणा कर दिया 15, y को नीचे ले आया और इधर 8 नीचे आ जाएगा, कुछ नहीं करना, x में 15 का गुणा कर दो, y में 8, मतलब x की जगह 15 रख दो, y की जगह 8 रख दो, 15 रखोगे तो कितना आ जाएगा 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, यहां 8 रखोगे तो कितना आ जाएगा 24, 8 × 4 = 32 और 8 × 5 = 40। अब आपको क्या निकालना है, बचत, तो बचत क्या हो जाएगी, आय में से खर्चा, आय में से खर्चा, यानी कि 6 × 6 = 13 = 20। ये हमारी क्लास थी भैया आज की, अब ये होमवर्क है आपको करना है भाई, ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करना है, ये लीजिए होमवर्क, ठीक है, ये लीजिए भाई होमवर्क, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये होमवर्क का जो दे रहा हूं ना मैं, थोड़ा पसीना आएगा लेकिन भाई सीखोगे तभी तो, कर लो एक बार प्रयास, सीखोगे तभी आप, ठीक है। और ये
तीसरा क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है, अब थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, जो चला लेगा वो खेल जाएगा, है ना। तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए मैंने और उम्मीद यही करूंगा कि आपको आया है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करिएगा मेरे दोस्तों, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर सच में मजा आया है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जुड़े रहें। अब आपको देख लो 11 बजे आना है, डेली आना है भाई, ठीक है ना। अभी होली के दिन एक दो दिन की छुट्टी हो सकती है, एक दिन की होगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। बाकी आप टेंशन ना लेना, डेली 11 बजे क्लास होती है सोमवार से शुक्रवार, और 12:30 बजे आपको मैं एडवांस मैथ पढ़ाने वाला हूं, तो वहां तो आपको आना ही है अलजेब्रा के क्वेश्चन पढ़ने, और सारी चीजें कंटिन्यू देखते जाओ जिससे कि सीखते रहोगे हमेशा। उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा है, दिल से लाइक करिएगा। चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। चलता हूं, बाय बाय।